आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है. सर, सबसे पहले सुर्खियों पर. अयोध्या में समारोह के लिए होटल धर्मशालाएं अभी से फुल हो गए हैं. राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर सरकार की अनदेखी. आंखों की बीमारियां फैलने पर सावधानियां बरतने की सूचना. स्कूलों को दी गई अतिरिक्त छुट्टियों की भरपाई अगस्त में की जाएगी. हिंडल का जल में दो कैदियों के बीच झड़प. कॉलेज रोड पर लगे बैरिकेड हटाने की चेतावनी. Chennabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अयोध्या में समारोह के लिए होटल धर्मशालाएं अभी से फुल हो गई है. जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी. इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग बनने के लिए विदेशों में लोग उत्सुक रहते हैं, इसलिए अयोध्या शहर के अधिकांश होटलों और धर्मशालाओं में लगभग 4000 कमरे 20 से 24 जनवरी 2024 तक 5 दिनों के लिए अग्रिम रूप से बुक किए गए हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह की आधिकारिक तारीख अभी तक निर्धारित नहीं. हालांकि 15 से 24 जनवरी के बीच शुभ मुहूर्त होने से इस दौरान जीवन में खुशहाली आ सकती है, यह पूर्वानुमानित है. राज्य में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर सरकार की अनदेखी. राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण घर गिर गए हैं और बड़ी संख्या में मवेशियों की मौत हो गई है. लगभग 11 जिले बाढ़ की स्थिति में हैं, बाकी जिले सूखे की स्थिति में हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है. मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कोई उपाय नहीं किया गया है, ऐसा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लगाया. उन्होंने बेलगाम के सांबरा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं उन्हें तुरंत 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि फसल क्षति का प्रारंभिक सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है. भारी बारिश से भारी जनहानि हुई है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. एक भी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया. इसी तरह सूखाग्रस्त इलाकों में अन्य फसल. बोम्मई ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर रैकेट में सौदेबाजी हो रही है. आंखों की बीमारियां फैलने पर सावधानियां बरतने की सूचना. दावणगिरी और हुबली जिलों में नेत्र विकार व्यापक रूप से फैल रहा है और बेलगाम जिले में भी मद्रासाई बीमारी तेजी से फैल रही है, इसलिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश कोने ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है. मद्रास आय एक संक्रमण है, जलवायु परिवर्तन के कारण फैला. आंखों के संक्रमण के कारण आंख में लालिमा, सूजन और खुजली भी होती है. पलके चिपक जाती है. बच्चों को बुखार भी हो सकता है. संक्रमित 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं. आंखों को साफ कपड़े से पहुंचे, आंखों को रगड़े नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल से बचे, संक्रमण के घरेलू उपाय से बचने की सलाह दी. किसी भी ड्रॉप का उपयोग करने से पहले एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए. स्कूलों को दी गई अतिरिक्त छुट्टियों की भरपाई अगस्त में की जाएगी. भारी बारिश के कारण बेलगाम शहर और तालुका में स्कूल 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए. ये छुट्टियां अगस्त महीने में भरी जाएंगी, तो छात्रों को अगस्त माह में शनिवार को पूरा दिन स्कूल जाना होगा. एक शैक्षिक वर्ष में 180 दिन स्कूल जाना अनिवार्य है. यदि भारी बारिश या किसी अन्य कारण से स्कूल अचानक बंद हो जाता है तो स्कूल को दूसरे दिन छुट्टी के रूप में आयोजित करना पड़ता है. हिंडलगा जेल में दो कैदियों के बीच झड़प. पिछले कुछ दिनों से हिंडलगा जेल में कई घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसे में जेल विवादों में आ गई है. इसके बाद जेल में हुई घटना एक बार फिर चर्चा में आ गई है. हिंडलगा जेल में एक ऐसी घटना घटी है जहां दो कैदियों के बीच झगड़ा हुआ और फिर जानलेवा हमला हुआ. इसी बीच एक कैदी ने दूसरे कैदी पर वार कर उसे मारने की कोशिश की. ये घटना शनिवार शाम की है. जेल में सजा काट रहे शंकर भजंतरी नाम के कैदी ने मंड्या के साई कुमार नाम के कच्चे कैदी पर हमला किया और उसे चाकू मारने की कोशिश की. इसमें साई कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है. इस मामले के आगे की जांच शुरू कर दी गई है. कॉलेज रोड पर लगे बैरिकेड हटाने की चेतावनी. कॉलेज रोड पर होटल सम्मान के पास लगाए गए बैरिकेड समस्या निर्माण कर रहे हैं. स्कूल आने जाने वाले छात्र और वाहन चालक त्रस्त है, इसलिए अभिभावकों और वाहन चालकों ने चेतावनी दी है कि तुरंत बैरिकेड हटाए जाए, नहीं तो वे सड़क जाम कर देंगे. कॉलेज रोड से आवागमन करते समय सम्मान होटल के पास ये घेरा विद्यार्थियों सहित वाहन चालकों के लिए सुविधाजनक है. चूंकि इस जगह पर स्कूल और कॉलेज है, ये सर्कल माता पिता के लिए भी सुविधाजनक है. नागरिकों ने बताया कि जल्द ही बैरिकेड हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. जड़े दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली
मारुति गली बेलगाम मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। धार्मिक जॉब करने पर मुकदमा दर्ज करने का विरोध। समृद्धि हाईवे पर बड़ी संख्या में हादसे हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है। समाज हित को ध्यान में रखते हुए इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिंडोरी में श्री स्वामी समर्थ संप्रदाय की ओर से सवा कोटी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति डॉक्टर हामिद दाभोलकर की शिकायत के मुताबिक बुलडाणा पुलिस ने जादू टोना विरोधी कानून के आधार पर मामला दर्ज किया है। हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य संगठक सुनील घनवट ने मांग की है कि हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों पर कुटाराघात करने वाला तथा आस्था पर चोट करने वाला ये काला कानून रद्द किया जाना चाहिए। घनवट ने यह भी कहा कि वो जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हलगा में सभी धर्मों की ओर से मोहरम मनाया गया। मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक माने जाने वाले हलगा गांव का मोहरम त्यौहार शनिवार को हर्षोल्लास एवं भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर गांव में 2 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हुए। गांव से आधा किलोमीटर दूरी पर एक धर्मस्थल है। इसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद के लिए मान्यता दिया। गांव की 5-6 बैलगाड़ियों को सजाकर जुलूस निकाला गया। इस समय सबके घर से 1-2 लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे कर लिए गए। उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के बाद दरगाह में लाई गई लकड़ी का उपयोग इंगले के लिए किया गया। इनरविल क्लब द्वारा नेत्र दंत चिकित्सा संपन्न। इनरविल क्लब द्वारा विजन शाइन परियोजना के तहत संति बसपाट स्थित अनमोल अनाथालय में लड़कियों के आंख और दांत की जांच की गई। इस मौके पर अनाथ बच्चियों का मुफ्त इलाज किया गया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माधुरी दीक्षित, केएलई विश्वनाथ कट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल के वैशाली केलुस्कर ने लड़कियों की जाँच की। इस शिविर से 72 बालिकाओं को लाभ हुआ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आर्यन लॉ कॉलेज के छात्रों की सफलता। कर्नाटक लॉ सोसाइटी द्वारा संचालित आर्यन लॉ कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता जीती। IFIM लॉ स्कूल बेंगलुरु ने राष्ट्रीय स्तर की मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट में देशभर से 34 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और आर्यन लॉ कॉलेज बेलगावी के बीच खेला गया। आर्यन लॉ कॉलेज के छात्र तन्वी कुलकर्णी, मोहन गौड़ा और जन्म पुरवाल IFIM राष्ट्रीय स्तर की मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2023 जीती और उन्हें एक ट्रॉफी और 60,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समर्थ अर्बन सोसाइटी को 67 लाख का मुनाफा। यहाँ समर्थ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को 67,31,648 रुपए का लाभ हुआ है। सोसाइटी की 27वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार को अनगोल रोड स्थित आशीर्वाद मंगल कार्यालय में हुई। प्रारंभ में अध्यक्ष अजय सुनालकर ने स्वागत किया। RS केसनूर ने पिछली वार्षिक आम बैठक का विवरण प्रस्तुत किया। फिर निदेशक शिल्पा कुलकर्णी और श्रद्धा नायक द्वारा सोसाइटी के कार्यों की जानकारी दी गई। गौरी बीडी ने वार्षिक रिपोर्ट एवं संचय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्रद्धा नायक सोसाइटी की शेयर पूंजी 193 करोड़ है और इसने 179 करोड़ का ऋण वितरित किया है। बताया गया कि इस वर्ष 20% लाभांश वितरित किया गया है। निर्देशक प्रदीप कुमार कुलकर्णी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अधिक मास में भी महंगाई की मार। भारत में त्योहारों में तरह तरह का खाना खाया जाता है। अब अधिक मास शुरू है। अधिक मास में दामाद को 33 अनाज से दान देने की प्रथा है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण अब ससुराल वाले उपहार देने में सक्षम नहीं है। अनारसों की कीमत भी 360 रुपए है। पहले यह दर 240 से 260 रुपए प्रति किलो था। महंगाई के कारण इस वर्ष यही दर 300 से 360 रुपए हो गई है।